आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आई बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां असहाय विधवा के खेत पर दबंग कर रहे अवैध कब्जा। महिला ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुँच लगाई न्याय की गुहार। बिल्लौर तहसील अंतर्गत थाना ककवन के ग्राम कमालपुर में मनोरमा देवी पत्नी स्वर्गीय कौशल किशोर के खेत पर दबंग कर रहे अवैध कब्जा। पीड़िता मनोरमा देवी ने बताया कि सरकारी बंटवारे में उसे खेत संख्या 194 रकबा 0.074 हेक्टेयर ग्राम खोधन जिला कानपुर में मिला था। बताया कि उस समय लेखपाल व कानून को नाप करके भूमि का कब्जा करवा गए थे, जिसके बाद कमालपुर गांव के ही विपिन उर्फ कल्लू पुत्र उमाशंकर तथा श्रीकांत उर्फ छुन्ना पुत्र चंद्र कुमार ने दबंगई व बाहुबल से उसके खेत पर कब्जा कर लिया है। महिला ने बताया कि ये लोग उसे खेत पर नहीं आने दे रहे हैं, खेत पर जुताई करने जाने पर गाली गलौज करने लगते हैं और जान से मारने की धमकी तक देते हैं। जब असहाय विधवा दौड़कर भागकर किसी तरह उप जिलाधिकारी व लेखपाल आदि के चक्कर काट काट कर किसी तरह से नाप करवा देती है, कब्जा होने के बाद उक्त लोग पुनः खेत पर कब्जा कर लेते हैं। परेशान होकर मनोरमा ने पुनः उप जिलाधिकारी कार्यालय बिल्लौर पहुंचकर दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त खेत को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। आइए जानें असहाय विधवा महिला ने क्या कुछ कहा, किस तरह से अपना दर्द बयां किया और किस तरह लगाई न्याय की गुहार। क्या नाम है आपका? मनोरमा। मनोरमा? हाँ। जी मनोरमा जी, बताएं क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या ये है कि कहाँ से हैं आप? हम कमालपुर से हैं। कमालपुर? हाँ। ब्लॉक? ब्लॉक शिवराजपुर है। ब्लॉक शिवराजपुर? हाँ। थाना ककवन है। थाना ककवन? हाँ। बिल्लौर तहसील है। हाँ। क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है कि हमारे आपस में बंटवारा हुआ सरकारी जी, और उसके बाद में हमारा जो खेत है वो हमारे पास के जो दबंग लोग हैं वो हमारा खेत नहीं देते हैं। कौन दबंग लोग हैं? अरे ये जो है हमारे कल्लू परिवार के, वो कल्लू है उर्फ विपिन कहा जाता है, उसके बाद में जो छुन्ना उर्फ उसके बाद उसका श्रीकांत, तो वही जो है ये आपके पड़ोसी हैं? हाँ हमारे पड़ोसी हैं, हमारे परिवार के ही हैं। ये आपके खेत के ऊपर कब्जा कर रहे हैं? खेत बिल्कुल नहीं, तो अगर लेखपाल और कानून को बांट आते नपाई कर देते हैं, उसके बाद में निशान भी लगा देते हैं, मेड़ डरवाते हैं तो मेड़ तोड़ देते हैं, उसके बाद ट्रैक्टर चलवा देते तब भी नहीं चलाने देते हैं। आप लोगों ने शिकायत कहीं की है? नहीं, कई बार आई। कहाँ शिकायत की है? यहीं पर बिल्ला तहसील में। बिल्लौर में तहसील में किससे शिकायत की? हाँ वो हमारे यहाँ एप्लीकेशन रखी है और लगा भी आज दी है। सीओ से, एसडीएम से? एसडीएम साहब। एसडीएम साहब से शिकायत की? हाँ हाँ। एसडीएम साहब ने क्या कहा है? वो लेखपाल और कानून को भेजते हैं, नाप करते हैं, हाँ। उसके बाद में वो निशान भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं और मेड़ भी डलवाई और उसके बाद में रात में जाके उसकी मेड़ तोड़ दी। आपकी हमने जुताई नहीं करने देते, वो नहीं करने देते हैं, कब्जा नहीं करने देते। हाँ, कब्जा नहीं करने देते हैं। क्या लगता है कि ये खुद इतने पावरफुल हैं, किसी के सहारे ऐसा काम कर रहे हैं? पावरफुल है, दबंग है। अच्छा, हाँ विकास दुबे अपने को समझ रहे हैं। अच्छा, अपने को विकास दुबे समझ रहे हैं। हाँ, और हमारे दरवाजे पे परसों आके बहुत प्यारा से हमारे ऊपर चढ़ाई की। उनका भी नाम बताओ? वो एक विद्या शंकर की पत्नी लक्ष्मी और दूसरे विपिन और वो छुन्ना, और उसके बाद में जो कहे जाते हैं दीनू शुक्ला, उनका नाम वैसे लिखा है महेश कुमार जी। जो पूर्व प्रधान रहे वो भी उसी में कहते हैं अपनी औरतों का ऐसे घसीस पे मारते हैं, यही क्रिया करनी है तुम्हारे साथ। यहाँ पर आपने एसडीएम से बात किया तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्हें आश्वासन किया, अब फिर दोबारा दे, तीन चार बार दे चुकी है नपाई भी, कितने बार लेखपाल जाए, आज फिर दोबारा दे आए एसडीएम, आज मिली नहीं है वो, वहाँ कहीं कोविड में गई है। जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं तो इसके लिए आपने यहाँ के एसओ से और क्षेत्राधिकारी से नहीं बताया? नहीं तो उस समय पुलिस से? हाँ अभी तो नहीं बताया, लेकिन अब हम बता रहे, अब करने नहीं देते जुताई, करने नहीं देते जुताई की, वो ट्रैक्टर वाले को हड़की में ले रहे हैं, अभी थाने में तुम्हारा ट्रैक्टर हो जाएगा ये कहा। तो क्या चाहती हैं हम? तो हमारा कब्जा दिलाया जाए। कब्जा दिलाया जाए? हाँ, हम अकेले हैं, हमारे ना कोई लड़के हैं और हमारे पति भी नहीं है,
ये जान रहे हैं कि इनके कौन है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।